जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। हर इंसान के अंदर दो बेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। गालिब वही आता है जिसे हम खिलाते पिलाते रहते हैं। मर्द अगर रोकता है और टोकता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो औरत पर शक करता है या इस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो इसे अपनी इज्जत समझता है और इसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत होती है। उस मर्द की मुखलिसी की गवाही मैं खुद दे सकती हूँ जिसका दिल हर बार धुका हुआ हो और गलती ना होने पर भी वो माफ़ी मांग ले। ऐसा मर्द लाखों में एक होता है जो रिश्ता को कभी ख़त्म ना करे, और इस औरत से बदनसीब कोई नहीं जो इस मर्द को खो दे। मर्द के दुख खामोशी की कोख में जन्म लेते हैं और अंदर ही अंदर सराइयत कर जाते हैं, जबकि औरत के आंसू हर तरफ शोर करते हैं। ज़िंदगी आखिर रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। औरत अपनी उम्र तब गलत बताने लगती है जब इसका चेहरा इसकी सही उम्र बताने लगे। मर्द सारी उम्र झड़कियाँ खाकर, धक्के खाकर, बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेसियों की मिट्टी फांकता है। आखिर में जवान बच्चे कहते हैं, अब्बा जी आप कोई ढंग का काम कर लेते तो ज़िंदगी ना संवर जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी आपको हर वो चीज़ लौटा रही होती है जो कभी आपसे छिन गई थी, लेकिन आप बेनियाज हो चुके होते हैं। ज़िंदगी में जो चाहे हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना नापसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखें और दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़बान इखलाक से।